अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, कैसे? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। और आज हम जा रहे हैं जुमा पढ़ने के लिए, और जुमा पढ़ने के बाद क्या होता है जी, ये बताएंगे आपको इस वीडियो में, और टोटल हर चीज़ दिखाएंगे किस तरह जो है हमने इस वीडियो को कंटिन्यूस किया हुआ है। तो देखते रहिएगा पूरी वीडियो, और जो नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारा यूट्यूब चैनल जो है लाजमी सब्सक्राइब करें, और जो पुराने हैं उनको चाहिए तो आगे शेयर भी करें। इस वीडियो के अंदर जो है वो हमने बताया नेकी के बारे में। फैजान पुत्र का सवाल थी कि नेकी की चीज़ है, तो नेकी के बारे में जो हवाले से जो जो बातें हमने की हैं वो आपको, जो काम किया है, जो अमल किया है वो आपको दिखाएंगे, और आप बताइए कि क्या ये तरीका हमारा ठीक है। और अभी हम पहुंचने वाले हैं, मस्जिद के पास हैं, और उसके बाद क्या हुआ है ये सारी वीडियो आप देखें अपनी आंखों से, और ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हम आ गए हैं साथ, गया जुमा पढ़ने। उस्ताद आंदा है, उस्ताद नु कहने हैं कि उस्ताद जी सानू नेकी बारे कुछ दसो, अच्छी गल है, हां चंगे चंगे काम जो करिए जाके अगले दा भी भला हो जावे ते साडा भी हो जावे। जुमा पढ़ के आना साल यार, कहने हैं काम करना दिल कर रहे हैं, जुमा पढ़ने भी नेकी मिले ते नाल और भी काम करिए, और भी काम करिए हो साडे भी ਤਾਰ ਆਂਦਾ ਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਜੀ ਬਗਾਂ ਤਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤੂੰ ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤਾਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਜੋ ਠੀਕ ਨਾ ਉਸਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਤਾਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਅਹਿਮਦ ਤਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਰਾਉ ਦੇ ਰੱਖੋ ਯਾਰ ਤਾਰ ਜੀ ਪੜਾ ਜੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ सरदार समझ गए ना, बड़े अफजल जुमे दी नेकी दे बड़े तरीके ने बेटा, जिम्मे के किसी नु तुसी खाना खिला दो, किसे भूखे नु खाना खिला दो, ये भी बहुत बड़ी नेकी होंदी है। ते चलाओ आपां करके विखाईए, नाले समझ भी आ जाएगी तेनू, ते नाले आपां सवाब भी लै लांगे, हैं ठीक है, चलिए चल। तो अब हम जो है ना वो जा रहे हैं, फैजान पुत्र ने सवाल किया है जी उस्ताद जी नेकी दसो, नेकी करिए ते असी भी खुश होइए ते अगला भी खुश होइए ते अल्लाह दी जात भी, अल्लाह रसूल दी जात भी खुश हो जावे, ठीक है। ते फैजान पुत्र नु जरा हुन जो है ना तरीका समझाना है, ठीक है। आज ही आज ये हमारे गार्ड सारे जी, अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है जी? ठीक है आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, ये हम बच्चे ने पूछा है जी कि आज जुमा है तो कोई ऐसा काम बताए कि नेकी करें तो हमें भी सुकून मिले, अगला बंदा भी खुश हो जाए। तो ये हम यही प्रोग्राम बना रहे थे, मैं ये कह रहा था इनसे कि हम चलते हैं वहां से खाना लेते हैं होटल से, किसी भूखे इंसान को ढूंढते हैं जो जिसने खाना ना खाया हो। मेरे ख्याल से जुमे का दिन है, खाना खिलाना सबसे बड़ा स्वाब का काम है, भूखे को खाना खिलाना, क्यों सर जी? तो ये हमारे बड़े भाई हैं, यही बताएंगे हमें कि क्या मतलब कि ये ठीक है बात जो हम सोच रहे हैं। नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, ये जो आप बोल रहे हैं सही बात है। ये जो गवर्नमेंट बेकरी के पास ये रोड जा रहा है ना नाले की तरफ, जी जी, उधर लोग बैठे हैं, बैठे हुए हैं, हाँ उनको दो, जो बेचारे भूखे बैठे हैं। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो इंशाल्लाह अब हम चलेंगे अब नाले के साथ साथ, और देखते हैं कुछ, और बच्चों को दिखाते हैं, समझाते हैं कि ये जब बड़े होंगे इनके दिल में भी आएगी कि किसी गरीब बंदे की जो है ना वो कैसे खिदमत की जाती है। चलें आज चलते हैं। लो जी हम जा रहे हैं जी, जुवेद भाई को सलाम करते हुए, अस्सलाम वालेकुम जुवेद भाई। बेटा हम जाएंगे अब खाना लेंगे, सबसे पहले जो एक तरीकाकार होता है ना, तरीकाकार के साथ चलेंगे, सबसे पहले हम लेंगे डिस्पोजल बॉक्स लेंगे, जिसके अंदर जो खाना होगा ना वो हम उसमें रखेंगे, ठीक है ना। तो डिस्पोजल लेते हैं,
हाँ जी अस्सलाम वालेकुम भौजी, क्या हाल है आपके भौजी? डिस्पोजल डब्बे छोटे कितने का है? जिसमें एक नान आ जाए ना, कुछ सालन पकौड़े हो जाए बस, ये सालन थोड़ा सा डालें उसके अंदर या फिर नान डालें। ये सामने लगी हुआ है, अगर देख ले आपके 500 साढ़े 700 1500 2000 3000 है जो भी आप। ये जो है 500 ml एल का, ये कितने का है? 15 रुपए का डब्बा है। और जो नीचे वाला है वो कितने का है? 18 का है। तो वो 15 का नहीं देंगे हमें, वो जो दूसरा है रबड़ का बना हुआ है, वो जो दूसरा है गत्ते का, वो कितने का है? गत्ते के डिब्बे नहीं है जिसमें चिप्स वगैरह डालते हैं? सॉरी नहीं नहीं प्लेट नहीं, डब्बा ही होता है, गत्ते का होता है डब्बे। वो प्लेट के सामने कौन सा वाला? वो एक तो प्लेट सामने वो लगी है यार, दिखाओ जरा कौन से कह रही है बताएं। ये जैसे ये गत्ते का डिब्बा तो देखें, इधर देखें इस तरह का, इसका ढक्कन भी तो है ना? ढक्कन वाला नहीं है, ढक्कन वाला जिसपे कवर हो जाए। अच्छा वो नहीं है, तो कौन सा ले फिर? ये रहने दें, क्योंकि इसमें कवर नहीं होगा तो डस्ट वगैरह जाएंगे। और कोई दूसरी चीज देख दें जिसका ढक्कन हो, पर और जो 15 रुपए से कम पर है वो कौन सा है? वो कितने का है? ये प्लेट है यार। छोटे का कितने का डब्बा है? छोटा पड़ जाएगा आपको 7 रुपए की। दिखाएं भाई जिपर कितना किलो है? जिपर 850 अभी हम वो ले रहे हैं जी बॉक्स, जिसके अंदर हम डालेंगे। तो ये आप शॉप देख लें यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखिएगा जो शॉप के बड़े ओनर थे, छोटे उनके भाई बैठे हुए थे, जो बड़े चार थे, वो कहते हैं कि सवाल करते हैं कि वीडियो क्यों बना रहे हैं। देखिए हम किसी को तंग नहीं करते, और पर्सनल ब्लॉग जो होता है वो हमारा दिखाना है इसलिए होता है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो देखे भाई मेरे ना देखे या हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो आपको मसला क्या हो रहा है? मैं आपको बताऊँ, बच्चे फिजान पता ने पूछा है कि उस्ताद जी हमें कोई ऐसा काम बताएं जिसमें नेकी मिले। नेकी हम मैं बता रहा हूँ खाना खिलाना, अब साफ सुथरे माहौल में उनको खाना देंगे। अब ये बॉक्स जो है ना इसमें खाना जो है कवर हो जाएगा, चाहे वो शाम को खाएं चाहे वो अभी खाएं, वो उनकी अपनी मर्जी है। सही है, इसमें हम खाना डालेंगे कुछ भी जो होगा। हम तो भाई इसकी जितनी कवर करते हैं वो हमें पता है, क्योंकि इनकी डिस्प्ले देखें माशाल्लाह इनका डिस्प्ले। ये भाई इतने शॉप के मालिक हैं जी, इधर के शंघाई रोड पे तो ओनर हैं शॉप के। मुझे कह रहे थे कि ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो मैंने इनको बताया कि फजान पे बेटा ने कहा कि हाँ लोग सवाल करते हैं वीडियो बनाते हैं पूछते हैं, लेकिन हमारा वो काम नहीं, हम ब्लॉग तैयार कर रहे हैं इनको बच्चों को समझाने के लिए। आप समझ गए सर? ये भाई देखे जी कितने अच्छे हैं, जिन्होंने हमें कहा कि आप वीडियो बनाए। आप देखें जो चीज देखनी है आप देखें, जो आपको पसंद आता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आइए हम इनका रेट करते हैं। ये हमने बॉक्स ले लिए हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 और ये 4, चार बॉक्स लेंगे 4 बंदों के खाने के लिए, ठीक है, वेस्ट नहीं करेंगे। और 4 बंदों के लिए हम लेंगे सर ये 4 करने हैं आपने, इनकी प्राइस बता दें क्या है? सेम ही है, 4 लेने हैं, 4 बंदों के खाने के लिए 4 काफी है ना मेरे ख्याल से, होता तो कुछ नहीं है। एक एक खाने के लिए एक बॉक्स ठीक है मेरे ख्याल से। ये कितने का पीस है? ये आपकी होलसेल शॉप है, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है सेम प्राइस है? नहीं नहीं, बच्चा फजान पुत्र आ जाए, मैं आ जाऊं, ये हमारे बड़े भाई आ जाए, सबको एक ही रेट देंगे आप। चलें ठीक हो गया, कितने बताए आपने? 26 रुपए बनते हैं, 26 रुपए बनते हैं आपके। ये लीजिए बैग चाहिए नेचुरल जो है ना, नेचुरल कितने चाहिए?
ये आपके 26 बनते हैं सर? मेरे 26 बनते हैं, लेकिन मेरे पास 6 रुपए टूटे नहीं थे इसलिए मैं आपको। अच्छा चलिए, थैंक यू। हमारा भी कोई उसमें हिस्सा आ जाएगा। ये नेकी में नेकी करते जा रहे हैं, जब आप नेकी के लिए घर से निकलते हैं ना, तो उसके अंदर अल्लाह पाक जो वसीले बनाता है, रास्ते भी खोलता है। बल्कि देखिए 26 के मेरे बनते थे ये 4 बॉक्स, और इन्होंने मुझे 20 रुपए में दिए 4 बॉक्स। इनकी होलसेल जो है वो शॉप है, तो आप यहाँ पे विजिट करें। ये शिंगाई रोड पे है। आपकी शॉप का नाम क्या है? लाहौर ट्रेडर्स। लाहौर ट्रेडर्स इनकी शॉप का नाम है। तो इंशाल्लाह शिंगाई रोड पे है, आप किसी से भी पूछ कर आके विजिट कर सकते हैं। जी आ जाए फिजान। तो फिजान पुत्र आप जावांगे खाना लैन। खाना तुम्हें पता है कि खाना वही अच्छा है जरा खुद बंदा तैयार करे, लेकिन बाहर के माहौल के मुताबिक आप ना कोई तरह की जिंदगी लगी है यार। जो मर्जी से आज तक मैं भी नहीं कभी खाता। क्या सुना, कोई नाम तो होएगा ना? नान ला लो। तेरा नान दो बंदे खा लेंगे स्कूल नाल। तीन बंदे नान, एक नान तीन बंदे। अच्छा चलो ठीक है जी, ले लेते हैं। अच्छा वो बंदे जो है ना बड़े नाइस थे वैसे, बस एक बंदा जो है ना थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, जितना उसे कह रहे हो कि मतलब बंदा नर्वस जिदा हो जाता यार, कि पता नहीं कौन नवा बंदा आ गया, वीडियो बना रहे शॉप पे, अल्लाह खैर करे। हाँ हाँ लड़ने लड़ना था वो फजान, पता नहीं डर के मारे कैमरा ऑफ कर दिया। हमने कैमरा ऑन करे, आप यहाँ से यूटर लेना है। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वो जी नान है, नान आलू वाले नान, दो नान कर दीजिएगा प्यारे भाई, दो नान। जरा अच्छे से करके लगाइए स्पेशल वाले। बहुत ही आपका नान मैंने सुना है, बहुत भरा नान है आपका। सही है, इसी तरह ही है। ये दो बंदे आराम से खाना खा सकते हैं, एक नान खा लेते हैं, दो बंदे खा लेते हैं। भरा नान है। अच्छा मेरे बेटे दो नान है आलू वाले, ये भादराबाद शिंगाई रोड पे जी दुकान है इनकी। एक नान जो है जी 100 में है, और दो बंदे जो है बड़े स्पून से नान खा सकते हैं। नान देखिए बहुत ही प्यारा लगाया हुआ इन्होंने। ये मेरे लिए यहाँ पे देखिए जी नान बहुत रश लगा हुआ है इधर। जी तो फ्रेंड्स, ये हमने इसके नान के दो हिस्से कर लिए हुए हैं, और ये नान आप देख रहे हैं जी कितना वजनी नान है जी। एक नान जो है और फोल्ड करते हुए इसका जो रोल बना रहे हैं ये आपने देख ही लिया होगा, और ये बहुत ही मतलब कि अच्छी चीज़ जो सस्ते में मिल रही है शिंगाई रोड पे। अगर यही मेरे ख्याल से अगर हाई लेवल स्टैंडर्ड जैसे सोसाइटी के अंदर DHA के अंदर से आप ये लें, या किसी बड़ी रेस्टोरेंट पर जाके खाएं, तो ये मेरे ख्याल से 400 या 500 से कम ना हो। और इसकी प्राइस पता क्या थी? 100 थी। तो आप खुद देख लें कि एक बंदे का जो खाना है वो अच्छा आप खा सकते हैं, और बहुत अच्छे नान मैंने जो है स्पेशली इनके लिए लगवाए थे। दो नान देखें, उसके ऊपर कलवंजी लगी हुई है और उसके ऊपर धनिया लगा हुआ है।
और इसमें आप देखें कि गर्म गर्म नान जो है टूट नहीं रहा था बल्कि गर्म था, तो इसलिए मैंने सोचा कि शॉप पे लेके जाते हैं, आराम से इसको पैक करते हैं और पैक करने के बाद जो है फिर तकसीम करते हैं। और ये साबरी लंगर आप देख लें जी, जो लंगर होता है लंगर खाना चाहिए। और आप देखें कि इसको हमने पैक कर लिया, एक ये तीसरा डब्बा है। और ये नान जो था मुझे लग रहा था कि शायद दूसरी तरफ कटा हुआ था पीस, तो दिल कर रहा था कि इसमें रख दूँ, लेकिन सोचा कि नहीं मैंने हाफ़ किया तो फिर हाफ़ जिसके हिस्से में जा रहा है वो उसी वही खाएगा। अब देखें किसके हिस्से में जी जाता है और किसके हिस्से में नहीं जाता। इस तरह इसको जो है जी हमने इसको फोल्ड कर लिया हुआ था। और बॉक्स भी हमने आपके सामने ख़रीदे हैं, नान भी हमने आपके सामने ख़रीदे हैं, हर चीज़ जो है वो फ्रेश है। ये नहीं है कि हमने जो है वो ये आपके सामने हर चीज़ लगवाई है, खुद बाय की है, खुद मेहनत करके नेकी की जाए तो मेरे ख्याल से बहुत मज़ा आता है इस लाइफ का, जो है ना बहुत इंजॉय वाला जो सीन होता है खुद मेहनत करके होता है। और ये हमने फाइनली जो है वो तैयार कर लिए हुए हैं, अब जो है हम जाएंगे फैजान पुत्र को साथ लेके और इसको तकसीम करेंगे उन भूखों जो लोग जिन्होंने अभी खाना नहीं खाया, और उनको जो ये खाना है वो हम अपने हाथों से खुद तकसीम करेंगे। तो हमारे पास डब्बे हैं जी चार, तो हम जाएंगे वो जिधर हमारे गार्ड भाई ने बताया था कि शंघाई रोड के नाले के साथ जो बंदे बैठे हुए हैं उधर हम जा रहे हैं। तो चलते हैं, आप भी हमारे साथ चलिएगा और बताइएगा और अपने बच्चों को ये लाजमी वीडियो दिखाइएगा कि कैसे ये अमल किया जाता है नेकी वाला। आएँ तो चलते हैं, हमारे साथ चलिएगा और हमारे साथ ज़रूर रहिएगा। ये अभी हम अपनी शॉप से निकले हैं, PCHS हमारी हाउसिंग सोसाइटी है, बहुत प्यारी सोसाइटी है जी, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ यहाँ पे बड़ी ही नाइस है। तो अब हम जा रहे हैं, आपने देख लिया हुआ था शॉप पे बैठ के हमने अच्छी तरह जो है इसको पैक कर लिया हुआ है खाना। अब हम खाना जो है वो तकसीम करेंगे, तकसीम वो लोग करेंगे, कोशिश करेंगे कि उन लोगों को देखें जो बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया, उनको जो है हम अपने हाथों से खाना देख कर आएंगे। ये शंघाई रोड है नाले के साथ साथ, अब अभी हम जाएंगे तो आप भी देखिएगा। वीडियो चल रही है? अच्छा, बंद नहीं किया हुआ? वीडियो चल रही थी, कैमरा ऑन था पता ही नहीं चला, और बस वही जो था फुजान ने वीडियो चलाई हुई थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है, आए चलते हैं। फुजान पुत्र जितने तुसी कहोगे ना आप उतने बन लेना ये, ठीक है? फुजान पुत्र लाला ने पूछे, लाला अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? वैसे ठीक है, क्या लगाया हुआ आपने? सिटर लगाया हुआ है। अच्छा, खाना खाया आपने? अभी खाना नहीं खाया आपने? अच्छा, अभी आए हैं आप, तो फिजा पत्ते ले आओ खाना देखिए। ठीक है जी, खाना खा लेंगे आप, पहले आप खाना खाएं, ठीक है, फिर काम कीजिएगा। हां जी, अब खाना ही खा रहे हैं, खाना खा रहे ने ते एनु नेकी केंद्र ने बेटा, ठीक है? ठीक है सर जी, अपना ख्याल रखिएगा। चलिए मिजाम आगे आगे से तकसीम करें, आ जाओ मिजाम। उधर वो चाचा जी गए, उन्होंने भी देख लिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल है आपके? वैसे ठीक है, खाना खाया आपने? नहीं खाया अभी। अच्छा, जुम्मा मुबारक आपको।
ये फैजान बेटा की तरफ से है जी, फैजान पुत्र खाना खिला रहे हैं आज, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि उस्ताद जी हमें वो नेकी बताएं जिससे दूसरा बंदा खुश हो जाए। तो मैंने बोला कि जुमे रे दिन भूखे को खाना खिलाना जो है ना सबसे बड़ा सवाब का काम है। सर ऐसी बात है, गलत बात नहीं कह रहा, फैजान पुत्र सही है ना, बड़िया का ख्याल किया जाए। जेरे बुजुर्ग लोग ने खासकर वो जेरे मजदूर जिन्होंने डेली आके लाल की रोटी खानी, पर उन्होंने हले तक खाना नहीं खाता अपने बच्चों की खातर, हले तक इतने बैठे हुए। इनको समझाने के लिए हम लेके आए इनको बाहर कि ये जो काम है ये अल्लाह की राह पे की जाने वाली नेकी है, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा सर, अल्लाह हाफिज़ जी। तो आपने देखा कि ये हमने दो लोगों के दरमियान जो है दो बंदों में हमने खाना जो है वो तकसीम कर दिया होगा। अब जा रहे हैं तीसरे शख्स के पास और देखते हैं जी तीसरे शख्स के वो कौन होता है। देखिए हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मियां जी, क्या हाल आपके? वैसे ठीक है, आपने खाना खाया? खाना नहीं खाया अभी जी? इरादा किया हुआ खाने का? अच्छा, तो खाना खिलाएं फिर आपको। जी आपने खाना नहीं खाया अभी? अभी हम खाना है, जुमा पढ़ के आए, कल 2:30 बजे होया जुमा। अच्छा 2:30 बजे जुमा हुआ, तो आपने अभी खाना खाना है? हां जी, वो मुंडे नु आवाज मारी तो आ जाए थे। अच्छा, तो आपके साथ हम फैजान बेटे को समझा रहे हैं कि नेकी कैसे की जाती है, कि जुमे वाले दिन अगर किसी भूखे इंसान को खाना खिलाया जाए तो बहुत नेकी है, बहुत बड़ी नेकी है, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी नेकी है भूखे को खाना खिलाना। तो यही हमारा दूसरों को पैगाम देना है, बच्चों को के परों का इकराम करें, जो बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, जो घर में अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, मांगते नहीं है, मेहनत कर रहे हैं, सारा दिन धूप के अंदर बैठ के, ना पंखा है, ठीक है, छाव का छोटा सा इंतजाम किया हुआ है, तो आप रोजी बड़ी औखी है, रोजी औखी है, तो मैं गंदे नाले पे बैठे हैं, रोजी कर रहे हैं ना बच्चों के लिए, रोजी कर रहे हैं। ये शंघाई रोड है, साथ नाला है जी, तो इधर बैठे बुजुर्ग जो हैं वो अपने बच्चों का रोजगार चला। आप किस गांव से हैं? मैं भावलपुर से। भावलपुर से, क्या नाम है आपका? नसीर अहमद। नसीर अहमद, तो नसीर अहमद आपने खाना नहीं खाया अभी? ये लीजिए आप खाना खाएं, ठीक है, और फैजान बेटा को यही पैगाम दे और दूसरे को यही दे कि नेकी की करनी चाहिए, ठीक है। आज के दौर में जो महंगाई इतनी चल रही है कि गरीब बंदे को जो है ना और पेट पूरी मुश्किल से अपना बाबा भर रहे हैं, और जिनके पास हस्ब तफीक है वो लाजमी मेरा ख्याल है कि जो गरीब इंसान है उनकी मदद करें। जी सर, सही है कि नहीं सर? ऐसे ही बेटा, तो आप क्या करते हैं? मैं अकेले बैठा हूं। अकेले बैठे हुए हैं, तो स्कूल नहीं जाते? नहीं, छुट्टियां आई हैं इसलिए। तो इधर अकेले ही हो? हाँ जी। ये साथ में कौन है? ये साथ वाले, वैसे हम साथ हैं। हम साथ हैं आपके? हाँ। अच्छा, तो स्कूल जाने का दिल करता है आपका? हाँ जी, जाते हैं। जाते होते हैं। बाबा किधर हैं आपके? वो घर गए हैं। घर गए हुए हैं। खाना खाया आपने? नहीं, वो मैं गया था उधर सस्ती रोटी मिल जाती है। हाँ। वो कहता अभी ठहर के आना। अभी ठहर के आना, कितनी सस्ती मिलती है? थोड़ी सी सस्ती, ये वाले होटलों से बहुत महंगी, ये लोग बहुत महंगी देते हैं, तो उधर से थोड़ी सस्ती मिल जाती है। अच्छा, सस्ती मिल जाती है वैसे। कितने का एक टाइम खाना कितने का आता है? 100 रुपए का आता है। 100 रुपए का आ जाता है। और अगर आपको आज खाना खिलाया जाए तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा। और आपके 100 रुपए बच जाएंगे, अच्छा लगेगा ना? आपकी मेहरबानी होगी। नहीं नहीं, आपकी मेहरबानी होगी अगर आप हमारे से खाना लेके खाएंगे, हमें नेकी का मौका देंगे, है ना फायदा? तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपको खाना खिलाते हैं, खाना खाने ये लो, इसमें देखो जरा क्या चीज है। नान है, नान है। कौन सा नान है? हलवा। हलवा ना नान है, पसंद है? खा लोगे? खुश हो फिर? चलो ठीक है जी। फैजान बेटा, तो आपने देखा है कि इसी तरह जो होता है वो नेकियां की जाती हैं। बच्चे हैं, बच्चे जो स्कूल में जाने की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन अपने बाप का वो सहारा बने हुए इधर, ठीक है। तो
नेकी का मतलब नेकी ही होता है, जो अल्लाह की राह में खर्च करता है अल्लाह उसे दुगना देता है। और ये एक तरह का अल्लाह के साथ कमेटी डालना, डायरेक्ट रब्ता अल्लाह के साथ होता है जो नेकी करता है। ठीक है, हमें तो इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।